लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की उम्दा गेंदबाजी और रोहित शर्मा की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर विश्व का अभियान का शानदार आगाज किया है। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 227 रन बनाए, जिसमें क्रिस मॉरिस 42 ने सबसे ज्यादा रन बनाए। साथ ही आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के किसी भी बल्लेबाज को लंबी पारी नहीं खेलने दी और भारत ने मैच में अधिकतर समय दबदबा बनाए रखा। रोहित को शुरू में ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिर में वह 122 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 144 गेंद खेली तथा 13 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने 34 रन का योगदान दिया। इन दोनों के चौथे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी की और भारत ने 47.3 ओवर में 4 विकेट पर 230 रन बनाकर जीत दर्ज की। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की यह लगातार तीसरी हार है और इसके चलते उसकी आगे की राह कठिन हो गई है। That's a sharp catch from Virat Kohli. There's a fielder there. Oh, look for a major. Oh, he'll play shots and he'll play them very crisply. And India start their World Cup campaign with a win. Win by 6 wickets with 2.5 overs left. They'll go back. He's got it. That's a sharp catch from Virat Kohli.